नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, मेरे पास ब्लूटूथ स्पीकर है गाइज। यहाँ पे ये यूबॉन का स्पीकर है गाइज, यहाँ पे जो है यूबॉन करके लिखा था, बट वो जो स्टिकर है वो निकल गया है। और इस वाले स्टिकर को मैंने बोया का ऐसे चिपका दिया था, एक बोया को मैंने माइक लिया था उस पर दिया था। तो गाइज, इस स्पीकर को मैंने जो है ऑफलाइन जो है 1000 रुपये में जो है ख़रीदा था गाइज, नॉर्मल लोकल मार्केट से। और इसको ख़रीदे हुए करीब 2 साल होने वाले हैं, 2 साल हुआ नहीं बट होने वाले हैं, 2-3 महीने के बाद ये जो है 2 साल मुझे इसको हो जाएगा गाइस। और एक चीज़ इसका मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत अच्छा है गाइस, और लाउडनेस भी बहुत अच्छा है। और ये यूबॉन कंपनी का है, और ये नॉर्मल आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जो है मिल जाएगा गाइस। और इसका खास बात ये है कि ये अभी तक जो है बिगड़ा नहीं एक भी बार, मतलब अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको तो मैं साइड में रख देता हूँ, मैं बस आपको जस्ट बताना चाहता था। मेन जो है इस वाले जो मतलब जो ब्लूटूथ स्पीकर है, तो इस वाले मतलब इसके बारे में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस। इसको मैंने नॉर्मल जो है लोकल मार्केट से 700 रुपये में लिया था गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो कोई MZ करके मतलब कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो है नॉर्मल इसको मैंने 700 में लिया था, और ये नॉर्मल जो है 4 महीने चलने के बाद ये जो है ख़राब हो गया। करीब 3-4 महीने हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, और ये 3-4 महीने चलने के बाद ये ख़राब हो गया गाइस। तो आप जो है आप इसी तरीके से ये अंदाज़ा लगा सकते हो, नॉर्मल जो चाइना वाला जो है वो तुरंत मतलब ख़राब हो गया। नॉर्मल 300 रुपये का ही डिफरेंट था, अगर मैं 300 रुपये अगर पहले लगा देता तो वैसे ही मतलब मेरे पास दूसरे स्पीकर भी हो जाते। एक्चुअली मेरे दोस्त का है ये, मेरा नहीं, बट इसको जब लेने गए थे तो मैं भी इसको साथ में ही लिया था, मतलब मैंने ही इसको चॉइस किया था, इसलिए वे वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे कि आपको लोकल मतलब कम प्राइस देख के नहीं लेना चाहिए, ऐसा टाइप का मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। आप 1000 रुपये में आप कंपनी वाला ले सकते हैं, यूबॉन कंपनी आप समझ सकते हो कंपनी का है, ठीक है। यूबॉन अच्छा खासा कंपनी है गाइस, और नॉर्मल यहाँ पे MZ करके यहाँ पे कंपनी गाइस, नॉर्मल चाइना कंपनी होगा मेरे ख्याल से, आपने नाम सुना भी नहीं होगा ऐसा कुछ। तो ये जो है ख़राब हो गया गाइस। तो आप क्या करोगे कि आपको ऐसे मतलब 700 में मिल रहा है इतना कम, तो चलिए इसको ले लेते, ऐसा आप मत सोचना गाइस, वरना ये सब जो है दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने क्या किया गाइस, ये तो हमारा चालू में आपको सुना देता हूँ एक बार। Life mein aaye music, music mein aaye life. You want, born to be free. The Bluetooth device is ready to pair. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब मोड का दिया है माइनस, सॉरी प्लस माइनस और स्टॉप का, और पीछे तरफ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि पावर ऑन ऑफ का, उसके बाद ऑक्स का, चार्जर का, USB कार्ड का और मेमोरी कार्ड का गाइस, ठीक है। इसमें इतना सब फंक्शन दिया है गाइस। और यही अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे दिया है गाइस ऑन ऑफ कर दिया है, और हमें जो है इसी में मोड होता है, इसी में स्टॉप होता है, और आगे पीछे करने का दिया गया है गाइस। और पीछे तरफ देखे जाए तो नॉर्मल एक चार्जर 5V DC और USB कार्ड और मेमोरी कार्ड लगाने का दिया था, इसमें ऑक्स लगाने का नहीं दिया था गाइस, ठीक है। तो आप इसको ऑक्स से नहीं चला सकते थे, तो ये तो मतलब ख़राब हो गया। एक्चुअली इसका अंदर में जो बोर्ड वगैरह है, इसका जो किट है, मॉड्यूल है, वो ख़राब हो गया है, मतलब ये जो ऑन ही नहीं हो रहा था, ठीक है, ऑन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इस पर मैंने ये वाला ब्लूटूथ डाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, नॉर्मल आपको ये वाला ब्लूटूथ किट जो है आपको कहीं भी मतलब देखो, जो ज़्यादातर एम्पलीफायर में देखने को मिल जाता है, तो मैंने यहाँ पे जो है इस वाला मतलब ब्लूटूथ किट को मैंने डाल दिया है। और साथ ही साथ गाइस, ये जो है ऑडियो बोर्ड नहीं है, ठीक है, ऑडियो बोर्ड नहीं, तो इसको मतलब स्पीकर जिसमें 5-5 वाट का स्पीकर लगा हुआ है, तो स्पीकर को चलाने के लिए मैंने एक छोटा सा मॉड्यूल डाल दिया गाइस, 5V का, 5V और 5W का, मतलब एक छोटा सा आता है, आपको 40-50 रुपये में मिल जाता है ऑडियो बोर्ड, तो मैंने उसको डाल दिया। तो इस ब्लूटूथ में कनेक्ट करके उस बोर्ड को दोनों स्पीकर में जोड़ दिया है गाइस, तो दोनों स्पीकर उस ऑडियो बोर्ड के जरिए से इस ब्लूटूथ में कनेक्ट है, तो चल जाता है, ठीक है। मैं आपको अंदर का वीडियो भी जो है बना के दिखा दूंगा आपको, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो, बट बस इतना समझ लो मैंने इस पर एक ब्लूटूथ यहाँ पे मॉड्यूल डाल दिया है, और ऑडियो मॉड्यूल छोटा सा डाल दिया है, तो उससे जो ये चल रहा है। और साथ ही साथ इसमें नॉर्मल एक बैटरी लगा है गाइस, नॉर्मल एक ही लिथियम बैटरी लगा हुआ था, तो मैंने इसमें एक बैटरी और डाल दिया, बैकअप ज़्यादा अब आ जा ज़्यादा मुझे बैकअप मिले ऐसा करके मैंने इसमें एक और बैटरी डाल दी, तो टोटल इसमें 2 बैटरी हो गया।
और मैंने इसको भी ओपन किया था, तो इसमें ऑलरेडी पहले से दो बैटरी डाला है गाइस, लिथियम बैटरी, और इसका बैकअप बहुत अच्छा गाइस, मतलब आराम से जो है 5 घंटे तक जो चल जाता है कंटिन्यू, ठीक है, आराम से 5 घंटे तक चल जाता है। और इस पर एक ही बैटरी लगा था हमारे चाइना वाले में, और इसमें जो है 2 बैटरी लगा हुआ है गाइस पहले से, तो मैंने भी इस पे जो है 2 बैटरी डाल दी हमारे चाइना वाले में। और एक चीज़ और गाइस, तो इसमें जो हो मतलब इसमें खराबी हुआ क्या है कि इसका ऑन ही नहीं हो रहा था, और ऑन ही नहीं हो रहा था तो मैंने ट्राई किया बहुत जो इसको ऑन करने के बनाने की कोशिश की, बट नहीं हुआ। और एक चीज़ आपको लोग को बताता हूँ, जैसे कि इसको चार्ज पे चढ़ाते थे तो बैटरी को चार्ज करता था, हालांकि ये ऑन नहीं होता है, बट बैटरी को मतलब इसको मैं चार्ज पे डालता था, यहाँ पे जो रेड कलर का जो छोटा सा LED लगा है वो ग्लो करता था। तो मैंने क्या सोचा कि बैटरी चार्ज हो रहा है तो चलिए हम इस पर ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह लगा देते हैं। उससे क्या, देखो यहाँ पे इस पे चार्जिंग वाला ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, इसमें चार्जिंग वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो बैटरी को इससे हम चार्जिंग कर लेंगे यहाँ पे लगा के, और साथ ही साथ हमारा ये मॉड्यूल जो है ब्लूटूथ वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अब जो ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑन ऑफ बटन लगा दिया है इसको ऑन करने के लिए, और चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि अब ये ब्लूटूथ मोड में है आप देख सकते हो, और मैं इसको जो मोड इसका चेंज करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो AUX मोड, और UX मोड में आ गए गाइस। एक बार और मोड चेंज करते हैं FM मोड, तो गाइस FM मोड में है अभी देख सकते हो, और इसमें और कुछ कुछ मोड भी आ गए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, आप क्या करेंगे इसको जो है हम ऑन करके देखेंगे गाइज। यहाँ पे मेरे पास गाइज एक मेमोरी कार्ड USB ड्राइव है, तो इसको मैं लगा के आप लोग को इसका साउंड क्वालिटी वगैरह सुना देता हूँ। Play by USB drive. दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको चला के दिखा, और ये वाला पहले वॉल्यूम का था गाइस, मतलब ये पहले वाला जो इस पर किट लगा है उस पर ये वॉल्यूम का काम करता था। तो जैसे कि मैंने आपको इसको USB कार्ड से चला के दिखा दिया गाइस, ब्लूटूथ और ऑक्स से भी चला सकते हो, और ये सेम गाने को हम अब इस वाले हमारे जो इस वाले जो ब्लूटूथ स्पीकर है इससे चला के दिखाएंगे गाइस। Life may lie in music, music may lie in life. You born, born to be free. Play by USB drive. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna.
दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे यूबॉन का जो स्पीकर है गाइस, इसका जो साउंड क्वालिटी वो बहुत अच्छा आ रहा है, आप सुन भी सकते हो जैसे कि, और हमारा जो हमने थोड़ा सा इस पर जो है मॉडिफाई किया है, तो इसका साउंड क्वालिटी उतना अच्छा भी नहीं आ रहा है। हो सकता था इसका साउंड क्वालिटी पहले अच्छा हो, क्योंकि जो कंपनी से जो बन के आता है उसका बात कुछ अलग रहता है, और अपने तरफ से हम लोग जो बनाते हैं उसका बात अलग रहता है। तो हो सकता है इसका जो पहले वाला बोर्ड मतलब जो चालू था, तो उसका जो साउंड क्वालिटी था वो थोड़ा अच्छा खासा जो प्रोवाइड करता होगा साउंड, और अभी उतना अच्छे तरीके से जो जो मैंने बनाया है वो उतना मतलब स्वीट साउंड नहीं निकालते, हालांकि अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है। बट जैसे कि हमारा जो हमने यूबॉन को प्ले किया तो उसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब उतना साउंड क्वालिटी इसमें नहीं आ पाता जो हमने इस पर बनाया है, ये वाला किट वगैरह लगा के गए। तो आप भी कुछ इस टाइप का अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मतलब उतना मज़ेदार नहीं है, हालांकि चलता है, काम आता है, बट जो ओरिजिनल जो फील जो पहले देता था वैसा नहीं मिल पाता है, बस यही बात है। और जो हमने जो छोटा सा जो मॉड्यूल लगाया है, ऑडियो मॉड्यूल 8 पिन वाला ऐसी वाला है, तो वो उतना अच्छे तरीके से जो है साउंड प्रोवाइड नहीं करता। आपको यूट्यूब में जो है वीडियो मिल जाएगा कि मतलब वो उतना अच्छे क्वालिटी से मतलब साउंड प्रोवाइड नहीं करता, इसी वजह से हो सकता है इसमें उतना अच्छी तरीके से जो है हमें साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है। ब्लूटूथ किट तो ठीक ठाक है, वैसे उतना बुरा नहीं है। और इसका खर्चा बात किया जाए तो नॉर्मल, देखो ये जो मैंने किट को लिया है इसको मैंने ऑफलाइन जो है 80 रुपये में लिया, ठीक है, इसके साथ मुझे रिमोट भी मिला है, तो रिमोट भी काम करता है, ये 80 रुपये का हो गया। और छोटा वाला जो ऑडियो मॉड्यूल लगाए वो 40 रुपये का हो गया, और ये बटन को मान के चलो 5 रुपये का, चलो 10 रुपये मान लेते हैं, तो मान के चलो 80 और 40 120 10 130 रुपये, ठीक है, तो मान के चलो आपका 150 के अंदर पे मतलब ये ऐसा मतलब आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो वापस बन जाएगा अगर आप बनाना चाहते हो तो। और मैंने इस पर फेमिकोल वगैरह लगा दिया है अच्छे से, एयर पास ना हो ऐसा करके, तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर फेमिकोल वगैरह अच्छे से लगा दिया है, और पीछे तरफ भी मैंने फेमिकोल वगैरह मतलब अच्छे से लगा दिया जहाँ भी एयर जो पास हो रहा था, क्योंकि एयर पास होते तो उतना अच्छे तरीके से जो है साउंड प्रोवाइड नहीं करता। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर आप भी मतलब आपके स्पीकर जो ख़राब हो गए तो कुछ इस टाइप का जुगाड़ लगा के जो बना सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं तो। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब चोचला ना पालिए, कोई मतलब नहीं, उतना साउंड क्वालिटी सुनने को नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है 150 रुपये खर्च करने का, 150 रुपये खर्च करने का। और अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जस्ट ट्राई किया था और आप लोग को बता दिया, आपको जो करना है आप कर सकते हो गाइस, आप ऐसे जुगाड़ लगा के बनाना है तो बना सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे जो है हम इस मतलब और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।